अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टूर। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा गुलगुले, जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। गुलगुले बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, और मैदे के जगह हम यहाँ पे व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं। और हम यहाँ पे लेंगे 1 कप सूजी, 1 कप शुगर और थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लेंगे। घी लेंगे, खोया लेंगे और थोड़ी इलायची पाउडर लेंगे। एक पैन लेंगे और लो फ्लेम में हम हमारे सूजी को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 4 टीस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद और हम लोग 1/2 कप शुगर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद 1.5 ग्लास हम लोग इसमें वाटर ऐड कर लेंगे और शुगर अच्छे से डिसॉल्व होने तक हम इसको बॉईल कर लेंगे। शुगर डिसॉल्व होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ग्रीन कलर, फूड ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है। और हम इसमें डालेंगे रोस्टेड सूजी और अच्छे से मिलाते जाएंगे, लगातार मिलाते जाना है सूजी को। और हम इसमें डालेंगे मावा यानी खोया 1 कप और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप ड्राई फ्रूट्स और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे सूजी को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम लोग तब तक हम बनाएंगे हमारा बैटर। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा और हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिर हम डालेंगे 1/2 कप जो हमारा बचा हुआ शुगर था वो डालेंगे इलायची के साथ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1.5 ग्लास इसको वाटर लगेगा। फिर तब हम लोग हमारे सूजी के बॉल्स बना लेंगे, मावा बॉल्स। सूजी बॉल्स बनने के बाद हम लोग हमारे कढ़ाई में ऑयल हीट करने रखेंगे। ऑयल हीट होने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे हमारा थोड़ा सा बैटर डाल के कि हमारा ऑयल अच्छे से हीट हुआ या नहीं। फिर हमारे बॉल्स हम हमारे बैटर में डिप करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी तरह हम हमारे सारे मावा गुलगुले बना करके तैयार करेंगे। और हमारे मावा गुलगुले बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए अंदर से वाव ग्रीन कलर लग रहा है, मस्त इसका टेक्सचर जूसी टाइप। तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching.